हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र, यूपीएससी सीएससी बीपीएससी की एग्जाम है 67th की 21 सितंबर को शेड्यूल है भैया। आपके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, 300 प्रोबेबल क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए 10 पार्ट्स में। 30 क्वेश्चंस कराऊंगा आज, साथ में बहुत सारे फैक्ट्स। ध्यान से सुनना है वीडियो को, आंसर करना है। जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपको आंसर करने, वो आंसर करना पड़ेगा आपको, तभी वीडियो का मजा है। वीडियो को देखिएगा, याद रखिएगा। और वीडियो मैंने बड़े ही प्यार से बनाया, बड़े ही नेचुरल अंदाज में, बड़े ही मतलब ऐसे चीज़ में जो शायद यूट्यूब पे किसी ने बताई नहीं होगी आज तक। ध्यान से सुनना है, हर एक पार्ट को सुनिए, इससे क्वेश्चंस आएंगे। अगर डायरेक्ट ना आए तो रिसर्च पोर्शन से आएगा, पर आएगा जरूर। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आप रिसर्च करिए उसके बारे में, अपने आप अपना जो कंटेंट है उसको बिल्डअप करिए। बाकी मैं प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये वीडियो जितना पसंद आप करोगे उतना ही जल्दी मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। जितना व्यूज आएंगे, जितने सब्सक्रिप्शन आएंगे, जो भी आएंगे उसके बेसिस पे ही मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं काम की चीज़ है, आगे और बनाऊँगा ऐसे अलग अलग पोर्शन से, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको उससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जितना शेयर करेंगे उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, दिस इज मी रविचंद्र, UPSC CSE, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स अपडेट और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सब इंपॉर्टेंट लिंक्स PDF आपको मिल जाएगा, सब कमेंट सेक्शन में पिंड रहेगा, डिस्क्रिप्शन में पिंड रहेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारा PDF डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन वन के साथ बड़े ही नेचुरल अंदाज में तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि देखो कैसे बनाया। DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ना हिंदी ना अंग्रेजी, कोई जरूरत नहीं है इतना अंग्रेजी बनने की, और हिंदी ही सिर्फ बोलते रहना है। सिंपल ऐसे पढ़ना है कि DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं। आंसर होगा समीर कामत जी। समीर वी कामत को भारत के DRDO का नया चेयरमैन बनाया गया है। पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी अब क्या हो गया, रक्षा मंत्रालय के साइंटिफिक एडवाइजर, वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया जी सतीश रेड्डी को भारत का रक्षा मंत्रालय का। इसरो के चेयरमैन कौन है? ए सोमनाथ जी हैं। पहले कौन थे? सिवन साहब, के सिवन, आपको याद रखना है के सिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो आपके चंद्रयान 2 और इन सब मिशन में थे इन्वॉल्व। गगनयान मिशन के समय भी यही थे, अभी वो जब लॉन्च होगा तब अलग बात है, सोमनाथ जी रहेंगे। पर हाँ, नींव इन्होंने रखी थी। आपको याद रखना है कि जो DRDO का जो ध्येय वाक्य वो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। आपको याद रखना कि ये जो साइंस है वही सब कुछ स्ट्रेंथ का सोर्स है। ये RS का सवाल बता रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर का, बलस्य मूलम विज्ञानम, जो लास्ट ईयर RS में होता उसमें सवाल आया था, याद रखना है आपको। DRDO के बारे में 4 फैक्ट्स मैंने बताए, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि मानिक शाह भी भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? मानिक शाह जी भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं? आपका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 8 जो 7 स्टेट है हमारी नॉर्थ ईस्ट, स्कीम को काउंट कर दो तो 8 हो गए। वहां पे मानिक शाह जी पहले कौन थे? बिप्लब देव साहब, उनके जगह पे जो मानिक शाह जी हैं उनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको बताना है गवर्नर कौन है, ये आपका काम रहेगा। हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा राइट नाउ, बताओ आप कमेंट सेक्शन में, तभी मजा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसरो ने भारत का जो इसरो है PSLV C53, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C53 का यूज करके, रॉकेट लॉन्चर का यूज करके किस देश के 3 नए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया? PSLV C53 का यूज करके इसरो ने किस देश के 3 नए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया? आंसर होगा सिंगापुर, छोटी सी कंट्री, स्टेट ऑफ मलक्का के पास। कहां पे? मलक्का स्टेट के पास। अब आप याद रखना कैसे मलक्का के स्टेट का, जो भी चीजें हैं मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे वीडियो सेक्शन में जाओ, वहाँ पे देखो मैंने स्टेट बताया है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड 20 से 25 स्टेट्स बताएं, एक बार देखो काम खत्म, स्टेट्स इसे बियॉन्ड नहीं आएगा। सब कुछ कवर किया हुआ मैंने, स्टेट्स को देखिए, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी BPSC में क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है सिंगापुर का जो न्यूसार सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करे थे सिंगापुर के PSLV C53 का यूज करके। इसके अलावा आपको याद रखना है PSLV C51, 28 फरवरी, बहुत ही रिमार्केबल डे, PSLV C51 का यूज करके हमने ब्राजील का अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च करा था, अमेजोनिया, आपको ये भी याद रखना है PSLV C51 का यूज करके, C51 C53 था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, मुझे नहीं पता पर 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन आ सकता है, मुझे नहीं पता वहाँ छपा है कि नहीं। देखते हैं कि केंताजी ब्राउन जैक्सन अभी हाल ही में दुनिया के किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? समझ में आ गया क्वेश्चन? केंताजी ब्राउन जैक्सन अभी हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? आंसर होगा USA, संयुक्त जो हमारा स्टेट्स है United States of America, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है जज? केंताजी ब्राउन जैक्सन, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने वाला है? भारत के बिहार राज्य में किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने वाला है बिहार का? वो होगा रोहतास,
रोहतास सेंसस 2011 के अनुसार बिहार का सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र, सबसे पढ़ा लिखा यहाँ पे आबादी रहती है, इसीलिए वो तितली पकड़ रहे हैं बैठ के, ऐसे याद रखना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है 2011 सेक्शन के अनुसार, सेंसस के अनुसार अररिया है, पूर्णिया है, कौन है आपको बताना है आंसर करके। 2011 सेंसस के अनुसार सबसे कम पढ़ा लिखा, बिना गूगल के याद है तो बताओ, वरना गूगल करो, पढ़ो आगे इम्तियाज अहमद को पढ़ो, फिर वहाँ से देखो आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने ब्लू डूक को, ब्लू डूक एक तितली को, अपने राज्य का राजकीय तितली डिक्लेयर किया है। भारत के किस राज्य ने ब्लू डूक तितली को अभी हाल ही में अपने राज्य का राजकीय तितली घोषित किया है। ये वही राज्य है जहाँ पे आपको नीति सॉरी ये जो आपका जिलेपला पास मिल जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा पास मिल जाएगा। जिलेपला पास आपको कहाँ मिलेगा, सिक्किम में, ये भी चीज़ आपके लिए याद रखना है। नाथुला पास भी वहीं पे, नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है, तो आपको याद रखना है। डोकलाम इंसिडेंट जो हुआ था 2017-18 में, वो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम ने ब्लू डूक को अभी राजकीय तितली घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अभी हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत के किस राज्य ने टॉप किया है। ईज ऑफ डूइंग जो इंडेक्स है हमारा, उसमें भारत के किस राज्य ने टॉप किया है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसने अभी जो रिलीज किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसमें टॉप किया है, आपको याद रखना है। रिलीज कौन करता है, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ यू नो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड करके जो हमारी ये एजेंसी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की आती है, उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या करा, जारी करा। आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। सेकंड पे कौन था, गुजरात। थर्ड पे कौन था, तेलंगाना। आपको बताना है बिहार की रैंकिंग कितनी है, वरना मैं तो किसी न किसी सेक्शन में करा दूंगा आने वाले में, पर बिहार का रैंक क्या था वो एक बार आप देखना, अगले बार आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीवीए लगा लो, 5-6 हमारे कॉलेज में, स्कूल में बोला करते थे 5-6 बीवीए लगा लो, एक सर थे हमारे सोशल साइंस के, वो करते थे। आपको बताने कि अभी हाल ही में भारत की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने किस राज्य में धरोहर नाम की कस्टम एंड रेवेन्यू म्यूजियम का शुभारंभ किया है। धरोहर नाम की जो कस्टम एंड जो सीमा शुल्क एंड जो उत्पाद हमारा जो ना म्यूजियम है, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने किस राज्य में उद्घाटन किया, आंसर होगा गोवा, पणजी में, गोवा की कैपिटल पणजी में। यहाँ के जो प्रमोद सावंत जी यहाँ पे अभी हमारे क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। आपको बताना है गवर्नर कौन है गोवा के, तो कहाँ पे, पणजी में उद्घाटन किया निर्मला सीतारमन जी ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के नए CVC कौन बने हैं, भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने, आंसर होगा सुरेश पटेल। सुरेश पटेल साहब भारत के नए CVC बने हैं। आपको आने वाले और भी वीडियोज में बताऊंगा कि अलका मित्तल ONGC की पहली महिला चेयरमैन, माधवीपुरी बूच सेवी की नई चेयरमैन, महिला चेयरमैन बनी है, आपको याद रखना है, 3 अपॉइंटमेंट्स। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि भारत का पहला डुगोंग जो हमारा ये एनिमल है, जो सी में मेराइन एनिमल है, कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा। भारत का पहला जो हमारा डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, वो भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा, अपना कोस्टल एरिया में बनाया जाएगा, वो कौन सा है, तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। तमिलनाडु में 14 वेटलैंड्स हैं भारत में सबसे ज़्यादा, आपको याद रखना है। मेरे कमेंट्स, मेरे वीडियो में जाओ, वेटलैंड वाला पूरा सीरीज देखो, रामसर साइट्स अभी मैंने बनाया, ट्रिक बताए हैं उसमें, जो अभी नए नए ऐड हुए ना 49 से तो 64 हो गए टोटल भारत में, कितने हो गए, सॉरी 75 भारत में टोटल कितने हो गए रामसर साइट, भारत में टोटल रामसर साइट कितने, आपको याद रखना है 75, 75 साल में 75 हमारे पास रामसर साइट है। इस 26 को मैंने ट्रिक के साथ कवर किया है, आप वीडियो में जाकर देखिए, रामसर साइट वाले में दिख जाएगा हाउ टू मेमोराइज ट्रिक, रामसर साइट बाय ट्रिक, समझ में आ जाएगा आपको। वो 14 सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, उसके बाद कहाँ है, यूपी में 10, ये याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल देखिएगा जाकर। तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनने वाला है, तमिलनाडु में बनने वाला है, गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पे है, मेरान बायोस्फीयर रिजर्व, उसको भी वेटलैंड में इस बार शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि शांतिश्री धुलीपड़ी भारत के किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। शांतिश्री धुलीपड़ी भारत के किस यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है, महिला चांसलर, आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, JNU की पहली जो कौन बनी है, शांतिश्री धुलीपड़ी। आपको बताना है UGC के चेयरमैन कौन है, जो पहले यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे, अब ये UGC के चेयरमैन हो गए हैं, आपको बताना है कौन है, ठीक है, जगदीश कुमार जी, देखिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार जरूर, अपने हिसाब से बना रिसर्च करिएगा, मैं बता रहा हूँ उसे सही आंसर है, पर आप रिसर्च जरूर करिएगा। कैटलिन नोवाक, मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि आप रिसर्च करने की आदत डालो। कैटलिन नोवाक किस देश की प्रेसिडेंट बनी है, अभी हाल ही में बताना है कि कैटलिन नोवाक दुनिया के किस देश की प्रेसिडेंट बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ ऑपरेशन गंगा, जहाँ पे इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था भारत के लिए। आपका आंसर होगा हंगरी। हंगरी में कैटलिन नोवाक जी उस देश की क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। ऑपरेशन गंगा किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारा जो हमने अभी लॉन्च करा था ना यूक्रेन से, जो हमारे मेंबर्स थे वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च करा था, ठीक है, ऑपरेशन हमने देवी लॉन्च करा था, कहाँ के लिए,
अफगानिस्तान से जो हमारे मेंबर्स थे, जो हमारे लोग थे, वहाँ से हमने बाहर निकाला था जब वहाँ से यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 कि सोजत मेदी भारत के किस राज्य से हैं जहाँ जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सोजत मेदी भारत के किस राज्य की, मतलब किस राज्य से है जहाँ जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आपको आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली मिलती है सोजत मेदी, वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे हाल ही में जीआई टैग दिया। बहुत सारे जीआई टैग है, जैसे मुंशियारी राजमा है, लाइकन पार्क है, थोड़े लाइकन्स हैं, फिर उसके अलावा आपका क्या नाम है, एक और दो तीन चीज़, जैसे भोटियानी चावल है उत्तराखंड का, फिर काली मिर्च है, काला चावल है मणिपुर का। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग है, वो मैं कवर कर लूँगा आने वाले सेक्शंस में। तो अभी आपके लिए इतना याद रखना है, सोजत मेदी पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, पाली में ही आपका क्या है, स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक है, वो भी याद रखना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि इनमें से किस देश को, ये बहुत मेरे को हंसी आती है इस देश के बारे में सुनकर, कि बताओ यूएई जैसे देश को एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। बताओ यूएई कितनी अमीर देश है। तो आपका क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश को अभी हाल ही में एफएटीएफ ने, जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो टूरिज्म से जो फाइनेंसिंग होती है उससे रिलेटेड वर्क करती है, उसने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, किस देश को। आंसर होगा यूएई। यूएई के अलावा कौन है इसमें, पाकिस्तान है अपना, ठीक है, उसके अलावा ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन, एक तो ईरान सैंक्शन वाला देश, एक नॉर्थ कोरिया, वही कुम जोंग उन, यही शायद नाम होगा, कुम जोंग उन उसका, याद रखना है। ग्रे लिस्ट में भी किसे डाल दिया गया, यूएई। देखो यूएई के साथ ही भारत ने अभी सेंट्रल एक हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराया है, सीईपी, आपको याद रखना है, जो सर सीएपीएफ हुआ 7 तारीख, उसमें सवाल आया था कि सीईपीएफ किसके साथ, सीईपीएफ अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ साइन करा है, यूएई। ये मैंने क्वेश्चन अपने बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल पर भी कराया। देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, पिन करके डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करिए उसको। 1100, आप सोच रहे हो 1100 मात्र मेरे सब 314 सब्सक्राइबर्स होंगे फेयरवेल पर, मेरे बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल पे 1100 से ज़्यादा तो एमसीक्यू कराए मैंने, 1100। उसके अलावा न जाने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कितने सारे मीडिया शेयर किए हैं मैंने, जरूर ज्वाइन करिए, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है वो, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। आप काम करो, इन्जॉय करो, मुझे वहाँ से पैसे नहीं कमाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे कि भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला भी हाल ही में कौन सा देश पहला देश बन गया है। भारत की जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है उसे अपनाने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया। आंसर होगा नेपाल, अपना जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो भारत का यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बना है, आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ओपन रॉक संग्रहालय किस सिटी में इनोग्रेशन किया गया, उसका किस सिटी में उद्घाटन किया गया। आंसर क्या होगा, हैदराबाद, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जो है उन्होंने उद्घाटन करा था इसका। ओपन रॉक म्यूजियम में क्या होगा कि 2 से 3 बिलियन पुराने जो पत्थर है उनका प्रदर्शनी की जाएगी और हम जाकर वहाँ देख सकते हैं। CSIR NGRI जो हमारी बॉडी है, CSIR NGRI जो संस्था है उसके प्रांगण में बेसिकली हैदराबाद में ये जो ओपन रॉक म्यूजियम है उसका उद्घाटन किया गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि ब्रह्म समाज की, देखिए बिहार का सवाल है हिस्ट्री का, ब्रह्म समाज की पहली ब्रांच, ब्रह्म समाज का पहला जो ब्रांच है, शाखा है, वो बिहार में कहाँ शुरू हुई थी, बिहार में कहाँ शुरू की गई थी। आंसर होगा भागलपुर। आंसर क्या होगा, भागलपुर में 1866 में डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष जी के साथ और भी लोग थे, उन्होंने मिलकर ब्रह्म समाज की पहली शाखा भागलपुर में स्टार्ट करी थी, जिसका सेटअप कहाँ किया गया था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कोलकाता में सेटअप किया गया था। आत्मीय समाज ब्रह्म समाज 1828, ब्रह्म समाज 1828, आत्मीय समाज 1815-16, ये याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलेंगे, इसमें फिर बाइफर्केशन हुआ केशव चंद से साधारण ब्रह्म समाज, फिर ब्रह्म समाज, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर का पहले रोल जो था वो अपन दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि गंगा जल उद्वहन योजना, अच्छा क्वेश्चन है, गंगा जल उद्वहन योजना के तहत बिहार का कौन कौन सा क्षेत्र है वो शामिल है। डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकता क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कुछ क्षेत्र हैं वो शामिल हैं गंगा जल उद्वहन योजना में, जो हमारी हरियाली स्कीम चल रही है उसके अंदर में आती है गंगा जल उद्वहन योजना। आपके आंसर होंगे राजगीर, नवादा, गया, बोधगया। राजगीर, नवादा, गया, बोधगया। राजगीर और बोधगया तो आपको याद ही रखना है, मॉडल शहर। उसके अलावा गया और नवादा बहुत इंपॉर्टेंट गंगा जल उद्वहन योजना में तहत तो इनको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि बिहार के, देखिए हिस्ट्री का सवाल है कि बिहार के बेगूसराय क्षेत्र में सोरे का व्यापार होता था, इसका जिक्र किस यात्री ने अपनी किताब में किया है, अपनी डॉक्यूमेंट्री में किया है कि बिहार के बेगूसराय क्षेत्र में सॉल्ट पीटर जो मुंगेर क्षेत्र में मिलता है आपको आज, सोरे का व्यापार होता था, इसका जिक्र किया था। आंसर होगा तवेरनियर। तवेरनियर फ्रेंच था एक, ठीक है। आपको बताना है किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था या शाहजहां के शासनकाल में आया था, ठीक है, किसके शासनकाल में आया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तवेरनियर फ्रेंच के, इन्होंने जिक्र किया था कि जो व्यापार होता है सोरे का वो भागलपुर बेगूसराय क्षेत्र में होता था, इसमें उसने बात करी थी, आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सूरजगढ़ा की लड़ाई का संबंध किस शासक से है। सूरजगढ़ा की लड़ाई बिहार में किस शासक से रहा है, शेरशाह सूरी। आंसर होगा, याद रखना है, इन्होंने बंगाल के जितने भी शासक थे उनको हराया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई में हराया किसको, हुमायूं को। इसके बाद इन्होंने अपने आप को सेटअप करा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे रुपये इन्होंने खर्च करे पटना की जीर्णोद्धार पे, पटना को कैपिटल इन्होंने बनाया था बिहार शरीफ से उठाकर। ये चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब फोर्टिफाई करा इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
सूरजगढ़ की लड़ाई का संबंध किसे मैंने बोल दिया, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, कि 2022 का जो बर्मिंघम एडिशन हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसमें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। मैं मेडल नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मेडल होता तो आंसर कुछ और हो जाता, मैं कह रहा हूं गोल्ड मेडल भारत के लिए पहला इस बार बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने जीता, आंसर होगा मीराबाई चानू। 61 मेडल जीते हमने टोटल, हम इसके बारे में बात करेंगे, एक एक वीडियोज में बात कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए, एक साथ दूंगा तो आप पगला जाओगे, याद नहीं कर पाओगे आप। 2-4-5-10 वीडियो में 61 मेडल कवर कर लेंगे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा मैं बता दूंगा। गोल्ड मेडल मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में लाई, इन्होंने ओलंपिक में भी जीता सिल्वर मेडल, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संकेत सरकार जो है उन्होंने पहला मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, गोल्ड मेडल नहीं सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, संकेत सरकार, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गोल्ड मेडल पूछा कि मेडल पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे कि 2022 के लिए इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जीतने वाली भारत की गीतांजलि श्री उनको मतलब किस बुक के लिए दिया गया, गीतांजलि श्री को जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज दिया गया वो किस बुक के लिए दिया गया, आपको याद रखना है। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, जो हमारी गीतांजलि श्री हैं, हिंदी उपन्यास के लिए उनको दिया गया, पहली बार किसी हिंदी उपन्यास को दिया गया गीतांजलि श्री की जो बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, उनके लिए उनको क्या दिया गया, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, आपको याद रखना है 2022 का। इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने करा वो आपको मुझे बताना है, और लास्ट ईयर किसने जीता था, चलिए मैं बता देता हूँ, डेविड डायोप, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 का इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज किसने जीता, ये चीज याद है। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, पढ़ो इतनी सारी मैगजीन्स पढ़ते रहे तो बताओ इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा, नहीं तो मैं अगले सेक्शन में बता दूंगा अगले वीडियोज में, नहीं तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन अगर आंसर नहीं करोगे तो मैं बताऊंगा, मेरा तो काम है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे कि हु बॉर्न 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, जो भारत के लिए 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड है, वो कौन जीते भारत की तरफ से, मतलब भारत में ही दिए जाते, कौन जीता, किन्होंने जीता, आंसर होगा दामोदर मौजो साहब, भारत के लिए नहीं 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जिन्होंने जीता वो कौन है, दामोदर मौजो। 56th किन्होंने जीता था, नीलमणि फूफन किन्होंने जीता था, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड CDS 2 2021 का सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। CDS 2 2021 का सवाल है, या फिर CDS 1 2022 का सवाल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम फॉरगेटिंग, पर CDS में आया हुआ सवाल है। 56th और 57th दोनों ऑप्शन में था, दामोदर मौजो और नीलमणि फूफन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि भारत ने किस देश को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, 10-15-20 स्टार लगा लो, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन साहब, यही बैडमिंटन, पीवी सिंधु और हमारे लक्ष्य सेन है ना, ये सब साइना नेहवाल, याद रखना है आपको, ये सभी प्लेयर्स हैं जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो थॉमस कप किन बैडमिंटन से रिलेटेड है, भारत ने पहली बार जीता किस देश को हराकर, इंडोनेशिया को हराकर, भाई साहब खतरनाक चैंपियन इंडोनेशिया को हराया भारत ने 3-0 से। कौन कौन से प्लेयर शामिल थे, लक्ष्य सेन, के श्रीकांत, किदांबी श्रीकांत, श्रीकांत के अलावा चिराग शेट्टी शामिल थे और सात्विक साईराज, ये 4 प्लेयर थे जिन्होंने मिलकर हराया इंडोनेशिया को। कहाँ हो रही थी थॉमस कप, वो याद रखना है, बैंकॉक में। बैंकॉक किसकी कैपिटल है, थाईलैंड की, हमारा पड़ोसी देश थाईलैंड, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, म्यांमार के जस्ट आगे, ठीक है, थाईलैंड याद रखें। बैंकॉक थॉमस का बैडमिंटन किसको हराया, इंडोनेशिया को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि जगदीप धनखड़ जी भारत के कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जगदीप धनखड़ जी भारत के कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने, आंसर होगा 14th 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने जगदीप धनखड़ जी, 13वें कौन थे, एम वेंकैया नायडू। जगदीप धनखड़ जी कहाँ के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले, इसके पहले कहाँ के गवर्नर थे वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले, वेस्ट बंगाल को, ये भी याद रखना है। ममता बनर्जी के साथ बिल्कुल इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, बहुत न्यूज़ में रहते थे। भारत की प्रेसिडेंट जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, पहली बार कोई ट्राइबल वीमेन बनी है, 15वीं प्रेसिडेंट बनी है वो, कहाँ की रहने वाली, उड़ीसा की रहने वाली वो, बहुत इंपॉर्टेंट। गंजाम तो वो है शहर जिसने पहला बाल विवाह मुक्त शहर बोला जाता है, जिला बोला जाता है इंडिया का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम ये दोनों के ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे कि कौन कौन मेंबर शामिल होते हैं, एओ में आया था कि कौन कौन से मेंबर जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग जो प्लांट है वो कहाँ पे लगने वाला है, जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा का जो हमारा प्लानेट है, सॉरी प्लांट है, वो भारत के किस शहर में लगने वाला है, सिंपली पूछा जाएगा, या किस राज्य में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना है, शहर हो गया तो रामागुंडम, राज्य होगा तो तेलंगाना, अभी एओ में पूछा गया था, ठीक है, इस तरह का सवाल, आंसर याद रखना है, रामागुंडम तेलंगाना, सबसे बड़ा, अभी हाल ही में इनको कमीशन कर दिया गया। और भी बनने वाले, जैसे खंडवा में बनने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमकारेश्वर में बनने वाला है, बन रहा है, अभी कमीशन भी हो चुकी है, मतलब वो प्रोसेस में बेसिकली है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा कमीशन जिसको किया गया वो रामागुंडम तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि MV राम प्रसाद बिस्मिल, एक जहाज का नाम है, इन्होंने सबसे लंबी जहाज है जिसने गंगा नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी भाया बांग्लादेश रूट, बांग्लादेश का वाटर का यूज करके, इंटरनेशनल वाटर का यूज करके, अभी हल्दिया पोर्ट कलकत्ता से, गंगा नदी से जो हमारा निकल के गया, ये किस दूसरे पोर्ट तक के लिए गया था,
आंसर होगा पांडुपोर्ट गुवाहाटी, कहाँ, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी उसमें आएगा आंसर, याद रखना है पांडुपोर्ट गुवाहाटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि यशवंत सागर लेक किस राज्य में है, जिसे अभी हाल ही में रामसर वेटलैंड की लिस्ट में ऐड किया गया, रामसर सूची में ऐड किया गया यशवंत सागर लेक भारत के किस राज्य में है, आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब याद रखने के लिए दो और हैं, आपको बता देता हूँ, सांखे सागर, जैसे मैंने आपको बोला ना ट्रिक बताऊँ, एक बार वो वीडियो जरूर देखना आप, वेटलैंड वाला, रामसर साइट वाला, और दूसरा था सिरपुर, ये तीन थे जिन्हें भी ऐड किया गया था। तो मैंने बोला था कि सागर डिस्ट्रिक्ट है एक एमपी में, तो सागर से दो हैं, यशवंत सागर सांखे सागर, आप याद रख लेना। और यशवंत सिन्हा जी हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो वो इलेक्शन हार गए थे, तो थोड़ा सा उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, थोड़ी देर के लिए उदास हो गए कि वो इलेक्शन कैसे हार गए, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, 29th बजट का सवाल है कि बिहार बजट 2022-23, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर जो 23 चल रहा है हमारा 2023 का, फिस्कल डेफिसिट वित्तीय राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, मतलब इस साल का जो बजट आया था उसमें बिहार राज्य के लिए कितना परसेंट वित्तीय राजकोषीय घाटा हमने अनुमानित किया है, आंसर होगा 3.47% 25,885 करोड़ हमने एक्सपेक्ट करा है कि इस साल फिस्कल डेफिसिट होगा, क्योंकि बिहार मोस्टली जो होता है वो स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कई बार से बजट सरप्लस बजट हम बनाते हैं, सरप्लस बजट, तो फिस्कल डेफिसिट हमने कितना रखा है इस बार 3.47%। देखिए ये था 29 क्वेश्चन, रिलेटेड फैक्ट्स दिए मैंने आपको, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। एंड देखिए जितना पॉसिबल हो पाए, देखिए समझिए, जो भी डाउट हो बोलिए, कोई भी किसी तरीके का सजेशन देना है तो बिल्कुल दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।